जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। राई बहुत छोटा सा मसाला, आप जानते हैं इसका प्रयोग तांत्रिक कार्यों में और टोटकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। राई से नज़र उतराने का प्रचलन तो बरसों से समाज में प्रचलित है। हमारी दादी नानी भी जब भी किसी बच्चे को नज़र लग जाती थी तो जरा सा नमक और राई लेकर नज़र उतार देती थी, वह बच्चे की नज़र तुरंत उतर जाती थी। राई बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है टोटकों के लिए। मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। आप यदि ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ दुर्भाग्य का समय चल रहा है, कुछ अनिष्टकारी समय चल रहा है, आप यह उपाय करेंगे, आप देखना आपके जीवन में एक नए बदलाव होने लगेगा, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा होने लगेगा। आप एक पानी के घड़े में, एक घड़े में पानी भरा हो, उसमें थोड़े से राई के पत्ते डाल लें। यह से जल अभिमंत्रित हो जाता है और जो भी व्यक्ति का लगता है कि इसका दुर्भाग्यशाली समय चल रहा है, दरिद्रता का समय चल रहा है, आप उस व्यक्ति को वह जल स्नान के लिए दे दें। यह आप 3-4 बार करते हैं, इसके लिए किसी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी भी दिन किया जा सकता है, आप ये कभी भी कर सकते हैं। आप 3-4 बार मात्र स्नान करने से, इस जल से स्नान करने से दुर्भाग्य दूर होने लगता है। जो दरिद्रता हमारे घर प्रवेश कर गई है वो चली जाती है और लक्ष्मी का प्रवेश शुरू हो जाता है। साथ ही यदि हम गुरुवार के दिन थोड़ी सी राई दान करते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ में। आप अवश्य करें, करके देखें, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करें, आप देखना आपके जीवन में एकदम चमत्कारी परिवर्तन आ जाएगा। आप अवश्य करें और जो भी आपके परिचित रिश्तेदार, उनको भी अवश्य बताएं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ राई के पत्तों से जल अभिमंत्रित करना है, उसके बाद का कार्य सब ऊपर वाले पे छोड़ दें, प्रभु पे छोड़ दें। विश्वास रख के कार्य करें, आपका हर कार्य अवश्य सफल होगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।